आवाज दीजिए ना। मैं हूँ गाइस, सो वेलकम बैक टू शान की दुनिया। सो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे जानवर की शूटिंग कैसी होती है। वी आर शूटिंग एनिमल एंड आई विल शो यू, एंड इसमें बहुत सारे आपको एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे, एंड वी आर आल्सो एक्सपीरियंस समथिंग न्यू दिस टाइम, एंड आपको भी एक्सपीरियंस कराता हूँ। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं, फिलहाल बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ब्लड देगा एकदम। सो गाइस, अगर आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो तो आपको अगर यूट्यूबर बनना है तो ये ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कि हम लोग कैसे शूट करते हैं, उसके बाद कैसे एडिट होता है, कैसे थंबनेल होता है, सब कुछ बताएंगे। तो बने रहो हमारे ब्लॉग के साथ, शान की दुनिया के साथ। रोलिंग बोलने के बाद थोड़ा स्टिल होल्ड करेगा, रुकेगा, होल्ड रहेगा, उसके बाद तू धीरे धीरे मूव करेगा। मैं तभी आने वाला था, बट सडनली कुछ काम आ गया, सो बहुत अटक रहा। क्यों ये डायलॉग काफी इजीली होगा, मुझे जैसे ही पता चला तेरा अटैक के बारे में, मैं उसी वक्त आने वाला था। हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? वो तो मेरे को भी। तो गाइस, यहाँ सामान पैक हो चुका है सबका, यहाँ खून लेके तू क्या कर रहा है? यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अब चलते भाई। अबे चलना रे, कहाँ देख रहे हो? गाइस, आफ्टर इयर्स, आफ्टर एजेस, मैंने इसको देखा है। मैंने इसको भूल ही गया था, मैं इसको जब से हम आए थे तब से। हाँ, अब वापस से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? लोग शॉर्ट देखिए तो पता चल जाएगा आपको। सो गाइज, अफसोस हमारा शूट के दौरान हो गया है बारिश, बट अच्छा है एक सीन हमारा गाड़ी के अंदर है, तो इधर हमारा डीओपी इधर है और हमारा लाइट इधर है और मैं इधर हूँ, कैमरा इधर पीछे और पीछे हमारा स्पॉट बॉय। सो अभी चलिए हम लोग पहला शॉट करते हैं इधर का, गाड़ी के अंदर का, फिर बाकी दिखाते हैं। तो विशाल कहाँ भी हम लोग चल ब्लॉगिंग हो रहा भाई। तो हम लोग भैया, अभी कौन सा सीन चल रहा है भैया? अभी चल रहा है एनिमल। अभी भैया ट्रांसफॉर्म होने वाले बहुत जल्दी। आप बोले ना उसको लेंस लेने का, लेके आने के लिए, फिर आप बोले कि ना मत लेके, कोई लगाने वाला नहीं है, तो बोला था ना कि हाँ भैया हम लगा लेंगे, मेरे को आता है। वो कैमरा का लेंस सोच रहा था तब से। सोचिए सर, क्या कर रहे हैं सर? रुकिए रुकिए, रूम में रुकिए सर, देखिए ब्लॉक कर रहे हैं आपको। विशाल भैया भूख लगे क्या? ऐसे कर, नाम के लिए पंकज भैया, क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे आप? कहने के दिखा लाने बोले, वो लोग चला गया। एबी रिवील करिए तो सही है। यहाँ पे लिंक पता ही नहीं चल रहा है गाइस, तुम लोगों को पता चल रहा है, मेरे को तो पता नहीं चल रहा है। हाँ, सनलाइट जो है ना, ऐसा हो गया ना, सीरियस डिस्कशन। क्या प्रॉब्लम है? तू है हमारा प्रॉब्लम। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, अभी समझाते हैं। ये भी मारा भाई, ये भी मारा। मैं कुछ समझा नहीं, अभी समझाते हैं। रेडी? कल निकल जा आसमा, चल पंकज, निकल 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 भाई, तू निकल फास्टली, घुमा पंकज तू।
तो वो अपना शूट बहुत दूर तक किया, देख सकते हो भैया का हालत। मैंने 5 लोगों का खून पिया है, देख सकते हो। आवाज दीजिए ना। डर तो तब दे, हमको नहीं मारेगा भैया। इधर देखो, इधर अपना भैया का मेकअप चल रहा है। और दीदी चल रहा है सौरभ का, अभी सौरभ का भैया 8 नंबर सीन भी दे रहे हो। चेंज हो गया, हम अपना पड़ा तो हम अपना अपना कैरेक्टर चेंज हो गया। मेरा था नॉर्मल, इसका था साइंटिफिक। तो हम सारा रात पढ़े, मतलब कल सारा दिन अपना कैरेक्टर बनाए थोड़ा पढ़े, उसका भैया रात को बोलता तू साइंटिस्ट बन, उसको तेरा रोल कर। तो अब थोड़ा मुझसे मुश्किल हो रहा है, कोई नहीं, यही सब सिचुएशन। भैया ये वाला सीन होने के बाद वो वाला सीन कर लेते हैं आपका। मरना रे तू लोग, मर मर मरेंगे। यही होता है, ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ये लोग दारू पी रहा था इसलिए मर गया दोनों। दारू पी के कैसे मर सकता है, दारू पी के कैसे मर सकता है? ये देखो दारू इधर है, दोनों पड़ा हुआ। दारू पी कैसे कैसे उठाया, फिर इतने ही में ऐसे करके लेके जाएगा। ये तेरा फिर ये देख रहे हो आप, ये कारीगरी किया हमारे भाई ने। हाँ हाँ हाँ, और थोड़ा टेढ़ा कर। हाँ हाँ, ये इसी में क्लोजअप ले, उसका दुकाना रेडी। अब भैया इधर का रास्ता बता दीजिएगा तो। तो अभी हो चुका हम लोग का रात, अभी तक बिना खाए पिए हम लोग शूट कर रहे हैं। भैया आज भी जाएगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। रेडी गाइस, रोलिंग एक्शन। और ट्रेन तो इधर से लेगा ना, और ज्यादा अच्छा लगेगा। ये फ्रेम है, सुई घुसा है, घुसा के फ्रेम को ऐसे कर, समझा? तब दोनों आ जाएगी।
ये हमारा डीओपी, द मोस्ट टैलेंटेड गाय इन आवर ग्रुप। ये हमारा डीओपी है, एक्टर है, एडिटर है, थंबनेल एडिटर भी है और स्क्रिप्ट में भी हेल्प कर देता है। एंड और क्या है, इतना ही पैसा दिया नहीं, 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 चाय पीने के लिए भी जाता है और का भी काम करता है। फर्स्ट आर्मी में हम सेकंड आर्मी है और ये हमारे ग्रुप में जब भी किसी को सबसे गंदा शक्ल चाहिए होता है तो हम विशाल को बुला लेते हैं, विशाल जल्दी हम लोग गंदा शक्ल दिखाता है। तो ये हमारा गैजेट रेडी हो चुका है, अभी हम लोग पैक करेंगे एंड चलेंगे। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, कल हमारा पैकअप हुआ था रात के 12:30 बजे एंड फॉर दैट रीज़न हम जो शॉट आपने रात का देखा वो सारा शॉट रात के 12:30 बजे घर पे हो रहा था। तो कल हमारा 12:30 बजे शूट खत्म हुआ तो समझ ही सकते कितना मेहनत हुआ है। तो वो सीन हम टाइम दिखा नहीं पाए क्योंकि इतना टायर्ड थे। शूट खत्म होने के साथ साथ मैं बाथरूम भागा और ये लोग घर भागा, हम लोग नहाने नहा धोवा के मैं बेड में लेटा, मेरे को नहीं मन किया था, नहीं मैं क्लब भी चला गया था, बात अलग है। तो टाइम नहीं मिला मुझे तो चीज़ बता पाऊँ। तो अभी हम लोग सेकेंड डे का शूट पे जा रहे हैं, तो चलिए आपको आज की भी सीरीज दिखाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, डे 2 का शूट स्टार्ट होगा है अब एनिमल का। ये रहा सेट रेडी, आई मीन नॉट सेट रेडी, हमारा गैजेट्स रेडी हो चुका है। तो अब हम निकलेंगे डे 2 का शूट के लिए। बोलता हूँ एक आदमी को कर देता दोनों। तू तू क्या कर रहा था, अटक गया था, तू तो हिल भी नहीं रहा था। डिजाइनर को बोला हिल गया, फिल्म देख लीजिए, मैंने बोला हो गया भाई, तेरे इस लकी को बोला ये कट कर दिया, वही हम भी देख रहा था, देख तू तो हिल भी नहीं रहा है, खाली पीछे का पंखा घूम रहा है। ठीक, और एक बार लेते हैं। और मैंने जो शॉट लिया ये चीज जो है मुंह उसका वो नीचे वाला डब्बा से ढका था और ऊपर में एकदम क्लोज लिया। तेरा वाला शॉट में तू ऊपर का पंखा घूमते हुए दिख रहा है, क्यों लेना मेरे को वो पंखा, चलाया था तेरे? उसका डीप शॉट कहाँ से आया था, ये वाला चीज से उसका मुंह ढका था। जा सामने जा, इसलिए मैं खड़ा होता हूँ फ्रेम के साइड में, सामने खड़ा हूँ तो उसको दिशा लाइट पड़ता। इधर इधर थोड़ा सा ना, इधर फेस करके बोलना। हाँ देखा, एक बार घूम तो इधर, ज़्यादा नहीं, और उधर घूम थोड़ा, हाँ ऐसे ही बोलना, ठीक है। मैं नहीं बचा सकता, लेकिन नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। मतलब? मतलब कि कट यहाँ पे ना, तो ये लाइन बोलने के बाद मैं चश्मा उतारूंगा। कौन सा मतलब कि ये इसका हालत बहुत नाजुक है। 1 बजे स्टार्ट किया था एंड ऑलमोस्ट अभी 4 बज गया, सिर्फ 2 सीन हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ दिस। ये बंदा ना, ये जो बंदा दिख रहा है आपको ग्रीन टी शर्ट में, एक शॉट कम से कम 25 बार लेना पड़ता है इसकी वजह से। समझाता समझ में ही नहीं आता, समझाता सब तेरा ही गलती है। और ये लोग देखो, ये लोग कितना मेहनत कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, टेक दे रहा है, पूरा पंखा उंगा भी नहीं चल रहा है, और इसको देखो खाली घूम फिर रहा है। आ जाओ आ अगर आप डॉक्टर नहीं है तो ये दवा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसका पूरा जिम्मेदारी हम लोगों का। भैया आप कैसा लग रहा है? क्या करूं मैं, मार भी तो नहीं सकता इनको, एक नहीं दे पा रहा है, गलती मेरा नाम पे दे रहा है, इसको तो अभी से मार। अगर डीओपी ऐसे से कर रहा होता ना तो ये कैमरा लेके मुझे नहीं बैठना पड़ता, समझा? वो हो गया रे भाई, तो बंद करना। गाइस गुस्सा मत होइएगा, एक इंग्लिश वर्ड है, बोल नहीं पा रहा है। रेडी? ये क्या हो रहा है? यहाँ का जो शूट है वो सिर्फ एक जन का बदौलत हो पा रहा है। कौन भैया? आप तो ये देखिएगा क्लिप एडिटिंग करने थे, एडिट दे दीजिए मैं जाना चाहिए। हाँ थोड़ा प्रमोशन भी मार दीजिएगा सैलून में, नहीं भैया वो अंजलि का भी, सबका सबका जितना सारा ब्रांड है सारा का मेरा प्रमोशन, मतलब अंजलि मेडिकल वर्ल्ड सैलून के बाद में होगा। हो गया। सो गाइस ये हमारे भाई आशीष
और इसका स्पेशल थैंक्स है कि इसी के शॉप में हम लोगों ने ये पूरा कपड़ा किया। अरे अभी इसका इसका जो है नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा एनिमल का उसमें इसको मेन डॉक्टर इसी को बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए 100% आपके लिए फर्स्ट टाइम। अरे वाह, आप देख के देखो डर नहीं लगा? डर तो लगा था फर्स्ट टाइम, दौड़ ही जा रहा था। तो थैंक यू ब्रो, फिर मिलेंगे ठीक है। अभी अपना पैकअप हो गया यहाँ का, तो अभी जो बाकी का शॉट है वो हम लोग लेने चलते हैं। यहाँ का करते हैं पैकअप, अभी चलते कहीं और। लेट्स गो, मेकअप कर रहा हूँ। मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप मीट, मेकअप आर्टिस्ट राजवंशी से बुलाया मैंने, कहाँ से? राजगंज से। कल का 12 बजे तक शूट हुआ है और अभी साढ़े बारह बजे तक शूट हुआ है और अभी 8:30 बज रहा है। अभी हमारा लास्ट सीन, इस वीडियो का लास्ट सीन शॉट लिया जा रहा है। अभी हम लोग अपना शॉट लेते हैं, आप लोग देख लीजिए आखिरी शॉट है, उसके बाद ब्लॉग को कर देंगे समाप्त। और यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन चल रहा है लास्ट सीन के लिए, मतलब लास्ट सीन प्रोजेक्ट का लास्ट सीन है। कैरेक्टर साहब समझाते हुए तकरीबन रात का 12 बज रहा है, पूरा मोहल्ला सो चुका है, पूरा एरिया सो चुका है, खाली हम लोग जगह में देख सकते हैं, कुत्ता तक सो चुका है। तो वे एक्साइटेड ये शूट के लिए, मतलब ये प्रोजेक्ट के लिए अब तक खत्म हो चुका है। That's the reason I don't work on big projects. और थर्ड लग रहा है भाई, अभी मर्डर होने वाला है। ये मैं मारने से पहले आप किसी का आखिरी इच्छा नहीं पूछते क्या? तो पर्पल से ना, उल्टा जानवर हूँ भाई। अच्छा, I'm the animal. Oh my god. Hey guys, so finally हो चुका है। So, दो दिन का फुल मेहनत के बाद, मतलब सुबह हम लोग किए पीछे दो बंदे को छोड़ने, सब सभी किया, सबसे किसी किसी एक के बिना भी इट्स अधूरा, ठीक है। तो सबने बहुत ही मेहनत किया है, मतलब दो दिन तक। मैं तो सुबह 8:30 बजे उठा था कल, एंड आज कल रात 12:30 बजे तक हुआ था और आज 8:30 बजे तक शूट हमारा हो गया पैकअप। दो दिन का शूट खत्म हो गया। अब आई डोंट नो व्लॉग पहले आएगी या वीडियो पहले आएगी, जो भी पहले आएगा आप साइलेंट शान ब्रदर्स में जाके फुल वीडियो जाके देख सकते हो, और मजा आएगा। तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अब ब्लॉग 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 लव यू ब्लॉग ब्लॉग। सो गाइस, हमें लगा था शूट खत्म हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली एक सीन रह गया था जिसके वजह से, और ये हुआ है हमारे एडी की वजह से, जिसने ये ध्यान नहीं दिया कि एक सीन बच गया था। वो तो अच्छा है कि डायरेक्टर थोड़ा काम का है, तो मैंने पता लगा कि हमारा एक सीन मिसिंग है। तो अभी एडिटिंग से पहले ही मैंने एक सीन, अभी हमारा शूट का Day 3 चल रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने आर्टिफिशियल चांद लगा के रखा है यहाँ पे। LED लाइट, ये हमारा DOP। और तू, तेरे को क्या बनाओ भाई? कुछ भी, इसको हम अपना घर का नौकर बनाएंगे। और ये है हमारा आर्टिफिशियल चांद जो ब्लू लाइट दे रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।